नमस्कार, मैं संजय सर आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। और ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मुझे एक दोस्त ने बताया कि शायद मुझे वीडियो डालते रहना चाहिए। तो रीज़न आपको पता होना चाहिए कि मैंने सोच लिया था कि मैं और यूट्यूब में वीडियो नहीं डालूंगा। मैं प्रोफेशनल से तो टीचर हूँ, मैंने सोचा कि टीचिंग तो कर ही रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, तो मैं बच्चों को ऑब्वियसली पढ़ाता ही हूँ। तो मेरे दोस्त ने बताया कि आप किस पर्पस से वीडियो अपलोड करते थे। मैं ये जान के ताज्जुब हो गया कि वो बोले पूछे मुझसे कि आपका पर्पस क्या था वीडियो डालने का यूट्यूब में, आपने चैनल क्यों खोला। मैंने बोला मैं बच्चों को कुछ सिखाना चाहता था, मैं चाहता था कि फॉलोअर बढ़े मेरे, सब्सक्राइबर बढ़े मेरे। तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि आप इस पर्पस से आए हैं इसलिए आप थक गए हैं और वीडियो नहीं डालने रहे हैं। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आखिर मेरे वीडियोस में व्यू या लाइक जाए या नहीं जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, आप सभी जो भी हैं सभी लोग देखेंगे ध्यान से मैं जो बताने जा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। ये बच्चों के लिए काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये किसी एक क्लास का टॉपिक नहीं है, ये क्लास 2-3 से स्टार्ट होता है और 9-10 तक, 8-9 तक, 8 तक तो जाता ही जाता है। तो उन पेरेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है, साथ में जो टीचिंग करते हैं टीचर्स हैं उनके लिए भी बहुत खास होने वाला है। तो वीडियो में आखिर है क्या वो आप देखेंगे। तो वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं, एक ट्रिक है जो मैंने बनाया है खासकर उन सारे टीचर्स और पेरेंट्स और बच्चों के लिए। जो वो टॉपिक है क्या चीज मैंने बताया नहीं है बट मैं बताने जा रहा हूं, वो टॉपिक है प्रोनाउन। सुनने में इजी लगता है, अभी मैं आप वीडियो भी देख रहे होंगे सर क्या टॉपिक लेके आ गए, बड़े बड़े चीजें टॉपिक्स बता चुके हैं, टेंस पढ़ा चुके हैं, वॉइस पढ़ा चुके हैं, नरेशन पढ़ा चुके हैं, बट ये कौन सा टॉपिक लेके आ गए कि प्रोनाउन। सर प्रोनाउन तो मैं ऑलरेडी जानता ही हूँ, आप प्रोनाउन में मुझे क्या बताएंगे। आप लोग भी सोचते होंगे प्रोनाउन में सर क्या बोलने जा रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि प्रोनाउन टॉपिक सुनने में इजी लगता है। आप डिफिनेशन भी जान लोगे, जानते भी होंगे कि द वर्ड विच कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। चलिए प्रोनाउन इजी हो गया, प्रोनाउन तो मुझे भी इजी लगता है, सबको इजी लगता है, और साथ में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की जब बात आती है तब यहाँ प्रॉब्लम्स आता है। एग्जाम्पल भी आप दो लोग इजीली बता सकते हो, ही सी इट दे वी आई, ये सब एग्जाम्पल हो गए प्रोनाउन के। लेकिन मैं टॉपिक में अब आता हूँ, वीडियो में बनाने का पर्पस है कि आप लोगों को मैं इस वीडियो में जो चीजें देना चाहता हूँ वो अभी मैंने बोला नहीं, वो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब बोलेंगे सर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में मेरे हर एक बुक में अलग अलग दिया हुआ, किसी में 2 क्लास में कुछ और है, 3 क्लास में कुछ और है, 4 क्लास में कुछ और है, कुछ में बढ़ गया है और 8-7-8 में तो कुछ कुछ ज्यादा ही बढ़ा के दे दिया गया है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, जनरली प्रोनाउंस जो है वो 8 काइंड्स के हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, 8। तो इन 8 काइंड्स को जो याद कर लिया ही इज मास्टर ऑफ प्रोनाउन। अब याद कैसे करना है उसका एक ट्रिक है, काफी इजी ट्रिक मैंने बनाया, वो ट्रिक है रिप स्क्वायर एड। रिप स्क्वायर एड, अब सर क्या बोले जा रहे हैं, रिप स्क्वायर एड कैसे याद होगा, तो इसको रिप स्क्वायर एड को मैं कट कर दे रहा हूं। आपको लर्न क्या करना है, आपको लर्न करना है COVID-19 पैंडेमिक को याद रखना है, मींस कोरोना वायरस। अब प्रोनाउन का रिलेशन कोरोना वायरस से क्या हो गया, मैं यही तो बताने जा रहा हूं कि आप किसी चीज को रिलेट करके रखते हैं तो वो हमेशा आपको याद रखते हैं। जैसे हम कोई चीज, सीक्रेट चीज, कोई सीक्रेट फाइल को हम कहीं रखते हैं और उसका एक ऐसा नाम दे देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं उस नाम से, तो कंप्यूटर में भी खाली उस वर्ड को पहला 2 लेटर्स लिखते हैं तो वो चीज आ जाता है। तो उसी तरह प्रोनाउन का जब भी जिक्र आए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का, आपको COVID-19 मीन्स, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मीन्स रिप स्क्वायर एड। अब ये रिप स्क्वायर एड क्या है वो मैं बताने जा रहा हूं। रिप स्क्वायर मीन्स मैंने ये क्यों वर्ड चुना, बिकॉज COVID-19 ने बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई, साथ में बहुत सारे लोगों की जान भी गई, इसके लिए मैंने रिप स्क्वायर ऐड किया, मतलब रिप स्क्वायर और ऐड बना दिया। ऐड का मतलब होता है एजुकेशन सेक्टर को भी ये पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो रिप स्क्वायर मीन्स डबल लॉस ऑफ लाइफ, मीन्स बहुत सारे लोगों की जान गई, इसलिए मैंने रिप बना दिया, रिप स्क्वायर ऐड। अब रिप स्क्वायर ऐड है क्या वो मैं बताने जा रहा हूं। RIP, फर्स्ट RIP का मतलब मैं बताने जा रहा हूं। फर्स्ट को आपको याद करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव, पर्सनल, ये फर्स्ट हो गए। अब सेकेंड रिप स्क्वायर का याद रखना है रिलेटिव प्रोनाउन,
इंडिफिनिट प्रोनाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन, सेकेंड भी क्लियर हो गया। और जो बचा एड ईडी, तो इस ईडी से मैंने बनाया है इम्फैटिक प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव, ये लास्ट हो गए। पूरे टाइप ऑफ प्रोनाउन जो है, एट टाइप ऑफ प्रोनाउन, वो सारे क्लियर हो गया। बस इतना ही आपको याद रखना है, रिप स्क्वायर एड। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि काइंड ऑफ प्रोनाउन को आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी। रिप स्क्वायर एड आपको हर एक टाइम, मतलब कभी कभी बीच बीच में भूल जाते हैं, तो कोरोना वायरस को रिलेट करके रखना है कि ये रिप स्क्वायर एड इसलिए मैंने बनाया क्योंकि COVID-19 में बहुत सारा चीजें दिक्कतें आई लोगों को, तो इसलिए मैंने रेस्ट इन पीस होता है ना रिप में, तो इसलिए मैंने इस रिप स्क्वायर एड को बना दिया, इस प्रोनाउन के टाइप में इसको ऐड कर दिया, रिप स्क्वायर एड। ठीक है, तो पहला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब कैसे समझेंगे हम लोग ना, रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक दोनों के जो एग्जाम्पल्स हैं वो एक ही तरह के हैं, लेकिन उसका यूजेज में जो डिफरेंस वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो रिफ्लेक्सिव में भी माइसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ्स, आवरसेल्फ्स, हरसेल्फ, हिमसेल्फ होता है, और इम्फैटिक में भी शेम, माइसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ्स, आवरसेल्फ्स और हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये सब होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, रिफ्लेक्सिव में जस्ट सब्जेक्ट के बाद नहीं होता, सब्जेक्ट के बाद वो लास्ट में माइसेल्फ योरसेल्फ यूज होता है। रिफ्लेक्सिव में माइसेल्फ योरसेल्फ देमसेल्फ्स आवरसेल्फ्स हिमसेल्फ हरसेल्फ का जब भी यूज लास्ट में हो तो उसको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और इम्फैटिक में जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ही, जैसे आई माइसेल्फ, कभी कभी होता है आई माइसेल्फ, ही हिमसेल्फ, ये सब्जेक्ट के साथ ही, राम हिमसेल्फ, तो सब्जेक्ट के साथ ही जब होता है यूज तो उसमें इम्फैटिक आपको सर्कल करना है, उसे पहचानना है कि ये इम्फैटिक का एग्जाम्पल है। तो ये दोनों हो गए रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक। और इसके बाद जो आता है वो है इंट्रोगेटिव। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, लेकिन इसका यूज भी हम लोग करते हैं इंट्रोगेटिव में, डब्ल्यू एच वर्ड का इंट्रोगेटिव में करते हैं और रिलेटिव में भी इसका यूज करते हैं। अब रिलेटिव में कैसे यूज करते हैं ना, दिस इज द बॉय हु हैज स्टॉलन माय पेन। तो हु किसके लिए यूज कर रहे हैं, जिसने, जहां, जब, वेन का प्रयोग हम लोग कभी कभी जब के रूप में भी करते हैं, एंड वेर का प्रयोग हम लोग कहां के रूप में ही नहीं, जहां के रूप में भी करते हैं। दिस इज द प्लेस वेर वी हैड अराइव्ड लास्ट मंथ। तो ये हो गया वेन, मतलब हो गया जब, तो ये सब हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव और इंट्रोगेटिव ये कंप्लीट हो गए, चार कंप्लीट हो गए और फोर बचे हुए हैं, तो उन फोर को मैं बताने जा रहा हूं। उन फोर में कौन कौन सा है, तो एक है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट में याद रखना है कि जिसमें डिफिनिट नहीं होता उसको बोलते हैं इंडिफिनिट। तो क्या डिफिनिट नहीं है मैं बताने जा रहा हूं, समबडी, एनीबडी, ये सब वर्ड्स अगर आते हैं जो डेफिनिट वर्ड नहीं है, इंडिफिनिट इसको बोलते हैं, समबडी, एनीबडी, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो लेंथी हो रहा है इसलिए मैं शॉर्ट में बताने जा रहा हूं। अब बचा आपका डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव तो लास्ट में है लेकिन मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। डेमोस्ट्रेटिव में दिस, दैट, दिस, दोस, ये सबको याद रखना है। डेमोस्ट्रेटिव का और एक लंबा कुछ जाएगा, मैं रिलेट करके बताऊंगा लेकिन अभी नहीं, मैं इतना याद रखना है, दिस, दैट, दिस, दोस, ये डेमोस्ट्रेटिव में। और जो बचे उसमें नाम आता है, और क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, इंडिफिनिट हो गया, रिलेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, डेमोस्ट्रेटिव भी हो गया, और साथ में पर्सनल और पॉजिटिव बच गए, पर्सनल और पॉजिटिव। तो पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, जनरल कॉमन प्रोनाउंस जो है ही, सी, वी, दे, यस, आई, इट, ये सब पर्सनल हो गए हैं। अब आती है बात पॉजिटिव की। पॉजिटिव में हम लोग अपना ओन राइट दिखाते हैं, अपना अधिकार दिखाते हैं किसी चीज पर। दिस बुक इज माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, यस, ये सब क्या हो गए, पॉजिटिव प्रोनाउंस हो गए। तो रिलेटिव हो गए, रिफ्लेक्सिव हो गए, इंडेफिनिट हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, डेमोस्ट्रेटिव भी हो गया, और अब कुल सब प्रोनाउन बच गया। आई थिंक सारे कंप्लीट ही हो गए, बस इतना ही याद करना, यही है कॉन्सेप्ट। और आइडेंटिफिकेशन भी जैसे मैंने बताया वैसे ही। आई थिंक वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इस तरह के वीडियोस में और बच्चों के लिए लाऊंगा, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इस मेथड से बता देंगे तो आई थिंक बच्चों को सारा चीज क्लियर, और कभी भी प्रोनाउन चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा। आई थिंक ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।